गुड इवनिंग। आज हम लोग इन्फिनाइट हॉराइजन एग्जिबिशन में आए हैं, जो विट्ठल सर की एग्जिबिशन है उचान आर्ट गैलरी घिटोनी में। सर का सोलो शो लगा है। विट्ठल जी लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, जो ऑयल मीडियम में काम करते हैं। ही बेसिकली इज़ फ्रॉम हैदराबाद। आइए अब उनके बारे में जानते हैं। सर आप प्लीज़। नमस्ते। मेरा नाम मुप्पिडी विट्ठल है। मैं फार्मर बैकग्राउंड से आया हूँ, फाइन आर्ट्स हैदराबाद में किया हूँ। हाँ। और उधर से ही मैं आर्ट सीखने का ये हुआ, लेकिन मेरा रूट्स जो भी रूट्स है ना, फार्मिंग रूट्स जो भी है, फार्मर का रूट जो भी है, वो उससे जुड़ा हुआ है। वो एग्रीकल्चर का लैंड, मेरा ओन एग्रीकल्चर लैंड है। मैं वो एग्रीकल्चर लैंड में जो भी मेरा इंस्पिरेशन ऑब्जेक्टिव से ब्यूटी से वो फॉन्ड्स, ड्राई फ्लावर्स, ड्राई बुशेस और वो एरिया का जो भी ब्यूटी है, वो रेन सीजन में पानी बहुत दौड़ने के बाद वो सूख जाने के बाद उसका उनकी वो कैसा फ्लो होगा, कैसा उसका रूट्स है, वो सब आपको अपन को दिखते रहता। वो ब्यूटीज मेरे ऊपर मेरा माइंड इंस्पायर हुआ। वो एरिया में जो भी ड्राई फ्लावर्स रहते, वो छोटे छोटे फ्लावर्स रहते, वो छोटे छोटे ग्रास रहता, वो ग्रास से वो फ्लावर से मैं बहुत इंस्पायर हो गया। वो सब्जेक्टिव लेके मैं काम करता हूँ। वो पहाड़ों, पत्थरों, जंगलों में जो भी ग्रास, समर सीजन में ड्राई एरिया पूरा आपको देखे तो ग्रास पूरा गोल्ड कलर दिखता है, वही मेरा इंस्पिरेशन है। वो मैं उसमें मेरा पेंटिंग में लाने के लिए कोशिश किया, मैं सक्सेस हुआ। मेरा एक स्टाइल बन गया, मैं उससे ही मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। अभी मेरा ट्रेंडिंग में, मेरा वर्क में बहुत सारे लोग मेरा वर्क पसंद कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोग मेरा इंस्पिरेशन भी ले रहा है और मेरे बहुत सारे अवार्ड्स भी है। ऑल इंडिया हैदराबाद आर्ट सोसाइटी का अवार्ड है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर्मेशन अवार्ड है, और हमारे हैदराबाद का ऑल इंडिया नेशनल लेवल का एक हमारा स्टेट आर्ट गैलरी का अवार्ड भी मिल चुका है। हमारा कॉलेज का बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। ऐसा हमारे पास जन्मभूमि अवार्ड, ऐसा सम अवार्ड्स भी मेरे को आ चुके हैं। अभी मेरा वर्क्स में जहांगीर में भी शो किया, बॉम्बे में। अच्छा, मेरा इंस्पिरेशन है, बहुत मेरे को बहुत खुशी लग रहा है। अभी मैं मेरा ओन स्टाइल बन गया, मेरा एग्रीकल्चर फार्मिंग का जो भी चीज़ है मैं उसको आर्ट फॉर्म में ला लिया। मैं आर्ट फॉर्म में से मैं एग्रीकल्चर को गया, एग्रीकल्चर से मैं आर्ट फॉर्म को आ गया। ये दो ही मेरा लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। मैं उससे ही लेके जनरेट किया, मेरा जर्नी चल रहा है। उससे मेरे को बहुत आनंद भी है। क्यों बोले तो, किस आदमी का जो भी आनंद किसी चीज़ में मिलता है, वो चीज़ से पकड़ से चलने से और अपन को बहुत कुछ खुशी होता है। उसमें सक्सेस आने के बाद और ज़्यादा खुशी मिलता है। अभी मैं वही चीज़ को पकड़ के चल रहा हूँ। मेरे को बहुत सक्सेस भी आया, बहुत सारे लोगों से मेरे को अप्रिसिएशन भी मिला है, बड़े बड़े आर्टिस्टों से अप्रिसिएशन भी मिला है। मैं उसी से बहुत खुशी हूँ। इधर दिल्ली में फर्स्ट शो हो रहा है मेरा, सोलो शो। मैं बहुत बार ग्रुप शो किया है, लेकिन सोलो शो फर्स्ट शो हो रहा है। वो उचान गैलरी को चांस मिल गया है, वो मैडम हमारे को चांस मिल गया। हम मैडम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पेरेंट्स लोग फार्मिंग करते होंगे। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आर्ट में जाऊंगा? आर्ट बहुत आसान फील नहीं है किसी के लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? एक्चुअली हमारे पास हमारा फ्रेंड एक वर्क करता था, उसको देखते हुए मैं बहुत इंस्पिरेशन हो गया। अरे वर्क करने में बहुत अच्छा, ये अच्छा है। एक उन्होंने फिल्मों हीरो का बनाता था, एन टी रामाराव का, इनका अच्छा। मैं उनको देखा रहे, ये कुछ बना रहे, अपन भी कुछ बना सकते हैं, ऐसा बोल के मैं छोटेपन से भी कुछ भी करता था। घर बनाना और रोड्स बनाना, कुछ कार्स बनाना, बस बनाना, ऐसा कुछ करता था। लेकिन आर्ट का बारे में मेरा कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन वो हमारे पास हमारा गुरु जी का एक
हमारा हेडमास्टर साहब थे, उनके पास मैं पढ़ता था, रात में ट्यूशन जाता था। उनके पास कल्याण बोल के एक बुक आता था, वो गीता प्रेस का, उनका लाइफ टाइम का ये था, उनका रेगुलर मंथली वन बुक आता था। वो कल्याण बुक में से मैं आधा आर्टिस्ट बना। क्यों बोले तो उसमें किशन जी का, राम जी का, हनुमान जी का, ये बहुत अच्छे पेंटिंग्स मिलते थे उसमें। कवर पेज एक अच्छा आता था, अंदर इनर कवर एक आता था, लास्ट कवर में एक पेज आता था, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आते थे। एस वर्मा बल्कि एक शो आर्टिस्ट वो पेंटिंग्स बनाते थे, वो पेंटिंग्स देख के मैं बहुत कुछ इंस्पायर मिला। वो मिलने के बाद मैं फाइन आर्ट्स के लिए हैदराबाद को आया, हैदराबाद में फाइन आर्ट्स किया। फाइन आर्ट्स करने के बाद अभी स्पेशलाइजेशन क्या करना, किधर करना, क्या नए, अभी सब रहते हैं ना, किनका किनका चीज़ रहता है उनका, वो चीज़ में उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है। कुछ फिगरेटिव, लेडी फिगरेटिव में इंटरेस्ट बताते हैं, कुछ अपन अपन का, उनका उनका ओन, उनका उनका जान उसमें लगाते हैं। मेरा जान तो एग्रीकल्चर ही था, मैं छोटेपन से ही मेरे को एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का आदत ही था। मैं उधर जाता था, उससे बहुत जुड़ा हुआ था वो लाइफ टाइम। मेरे छोटेपन में मैं खेत में बहुत खेलता था, बहुत मस्ती करते थे। कि हमारे पास भी बहुत बड़ा तालाब फाउंड है, वो फाउंड में बहुत कुछ खेलते थे, स्विमिंग करते थे, वो सब चीज़ें हमारे को मालूम है। वो सब उसके बाजू में जो भी ब्यूटी है, वो ब्यूटी को मैं पकड़ लिया। अभी तक ऐसा ब्यूटी की कोई भी नहीं पकड़े। एक्चुअली पेंटिंग लैंडस्केप में तो ग्रीनरी, वो सब ये बड़े 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 ट्रीज और कोकोनट ट्रीज, ऐसा कुछ लैंडस्केप बनाते हुए देखा। लेकिन ऐसा वो एरिया का जो ब्यूटी है, अपन दूर से देखे तो वो एरिया का जो ब्यूटी है उसको कमी लोग पकड़े। हाँ, उसको मैं मेरा ब्यूटीज हो गया वो, मैं उसमें जान डाला, उसको मेरे स्पेशलाइजेशन में, मेरा स्टाइल ऑफ वर्क में बना लिया। उसमें थोड़ा मैं सक्सेस भी हो गया, बहुत सारे अवार्ड्स भी आ गए, बहुत खुशी भी है मेरे को। हाँ, उसके वजह से मैं खुशी आपके काम में दिखती है। हाँ, काम में दिखती है। और हम क्या है बोलो तो, आप बोले ना इससे पहले तुम एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर से आर्टिस्ट में कैसे आ गए बोलते। हम एग्रीकल्चरिस्ट है, पहले से एग्रीकल्चरिस्ट है। मैं आर्टिस्ट बनने के बाद भी मैं फार्मिंग किया और 10 ईयर्स अभी भी फार्मिंग करता हूँ, शुगर केन वो सब करता हूँ। हमारा एक नौकर लगा के उधर काम करता हूँ, उधर भी मैं जाते ही रहता हूँ। हाँ, उधर से ही इंस्पिरेशन मिलता है। उधर गए तो एक बार गए ना, एक 10 डेज गए उधर, एक 3-4 डेज 10 डेज ऐसा गए ना, इधर 1 मंथ 6 मंथ्स का एनर्जी मिलता है। उधर से हर टाइम जाता है ना, हर टाइम कुछ भी कुछ नया चीज़ उधर से मैं सीख लेता हूँ, नया चीज़ मिलता है उधर देखने से। अपन को प्रकृति जो भी है ना, अपन किधर से भी सीखने का जरूरत नहीं है, किन से भी सीखने का जरूरत नहीं है। प्रकृति जो भी है अपन बहुत कुछ देती है, अपन देखने के लिए अपन रेडी रहना, उसको चीज़ को पकड़ने के लिए रेडी रहना। कौन सा भी चीज़ होने दो, आप कौन सा फील्ड भी होने दो, आप प्रकृति से सीखना, वो बहुत नेचर से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नो नेचर में ये चीज़ नई बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन हर चीज़ सीख सकते, कलर सीख सकते, वो मिट्टी का भौतिक स्वरूप सीख सकते, ट्री का भौतिक स्वरूप सीख सकते, माउंटेन का भौतिक स्वरूप सीख सकते, ग्रास का डिफरेंट डिफरेंट ऑफ काइंड्स ऑफ ग्रास रहते, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स का फ्लावर्स रहते, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ के फ्लावर्स रहते, टेक्सचर्स रहते, ये सब अपन डेप्थ मिलता, पर्सपेक्टिव मिलता, सब कुछ चीज़ नेचर में मिल सकता है। पहाड़ मिलता है, पत्थर मिलता है, लीव्स मिलता है, लीव्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं। उसके वजह से अपन नेचर से सीखे तो अपन को लाइफ बनता है, अपन डेफिनेट का सक्सेस हो सकते हैं। किन से कॉपी मारे तो कॉपी सक्सेस नहीं हो सकते। क्यों बोले तो कॉपी वो कहाँ तक जाता उनको ही नहीं मालूम, अपन वहाँ को ही जाके रुक जाते कॉपी मारे तो। वैसा नहीं, अपन का ओन रहे तो अपन कितना दूर भी जा सकते हैं, उसमें खुशी भी मिलता है। अपन दूसरों को देख के भागे तो अपन को खुशी नहीं मिलता, अपन खुद मिले खुद भागे तो और ज़्यादा अपन को खुशी होता है। अपन अपन का गम्य स्थान को भी अपन जा सकते हैं, उसको अचीव भी कर सकते हैं। अभी मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स भी है, अभी नेशनल अवार्ड एक मारने का है
ललित कला अकादमी का वो एक अवार्ड मार दिया तो हो जाता है, उसका भी प्लान कर रहे हैं। उसका भी एक अवार्ड अभी उस कोशिश चल रहा है, नेक्स्ट ईयर से उसको सीरियस से लेंगे, वो अवार्ड एक मारने का है, वो एक मारेंगे। आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले सब चीज़ों में जो आप बना रहे। आपकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने बोला कि देखने की नज़र चाहिए, सब कुछ उसमें मिल जाता है। तो इसके साथ ही हम आपको बहुत बहुत बधाई आपके शो के लिए। आप जैसे आपकी इच्छा है, आप बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, आपकी आर्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो इंडिया में ही नहीं सब जगह। एंड एक बहुत क्या बोलता हूँ, मेरा पेंटिंग मैं एग्रीकल्चर फार्मर से और एक भी क्रिएट किया, एक्चुअली मैं धान से मैं पेंटिंग करता हूँ, धान से एक धान पैडी का धान रहता ना, वो धान से मैं पैडी का धान से करके पिक्चर्स देने के लिए डायरेक्ट मैं उससे काम करके क्योंकि मोदी साहब को मैं पेंटिंग प्रेजेंट किया। और मोदी साहब के पास मेरा वर्क है, और राधा मोहन सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास मेरा वर्क है, और अभी नेक्स्ट नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर फार्म मिनिस्टर उनके पास मेरा वर्क है, हमारा केसीआर साहब के पास है, सारे मिनिस्टर के पास हमारा पास है, वो वर्क का स्पेशलाइजेशन है। मैं फार्मिंग से ही उसको लाया, वो फार्मिंग से इधर कन्वर्ट आर्ट को कन्वर्ट किया, उससे भी मेरे को बहुत मोदी तक मेरा वर्क पहुंचने का चांस भी मिला, उस बात की भी बहुत खुशी है। क्यों बोले तो बहुत सारे लोग रहते हैं आर्ट करने के बाद पीजी तक जाते, लेकिन एक मोदी तक ऐसा जाने का चांस नहीं मिलता है, वो भी मिला, वो भी हमारा सौभाग्य है, भाग्य। उसी उसके वजह से हमारे को भी खुशी है, अभी ऊंचान गैलरी में हमारे को शो करना भी बहुत खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, भगवान करे आप और बहुत सारे शोज लगाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।